ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। सब लोग खड़े हो जाओ। स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। बॉल का शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो वो याद रखना है, बास्केटबॉल का जो ग्राउंड का जो लेंथ होता है, जो कोर्ट का लेंथ होता है, वो 28 मीटर होता है, विड्थ होता है 15 मीटर का। जो रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल, सेंटर सेंटर सर्कल का जो रेडियस है वो 1.80 मीटर का होता है। ओके, थिकनेस ऑफ द लाइन, जो व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है उसका जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। ओके, लॉबी जो है, बास्केटबॉल का जो लॉबी दिख रहा है साइड पर, वो लॉबी 2 मीटर का होता है। नाउ बोर्ड, बोर्ड लेंथ फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उसका लेंथ होता है 2.90 मीटर का। ओके, हाइट, जो बोर्ड का हाइट होता है, बोर्ड हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जो बोर्ड का हाइट है वो 2.90 मीटर का होता है। लेंथ एंड विड्थ, लेंथ होता है 1.80 मीटर और विड्थ होता है 1.05 मीटर। थिकनेस होता है वो बोर्ड का, जो लाइन का थिकनेस ऑफ द बोर्ड होता है 3 सेंटीमीटर का। ओके, बोर्ड होता है थिकनेस फ्रॉम द बोर्ड 3 सेंटीमीटर का। नाउ बॉल होता है जूनियर के लिए, जूनियर के लिए बॉल होता है 470 ग्राम टू 500 ग्राम, और डायमीटर होता है उसका 69 सेंटीमीटर टू 71 सेंटीमीटर। प्लेयर्स 12 होते हैं, प्लेइंग एरिया में 5 प्लेयर्स खेलते हैं और सब्स्टिट्यूशन होते हैं 7। जो प्लेयर जर्सी पहनते हैं वो जर्सी में 1 to 99, इसके बीच में जो है नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया बास्केटबॉल। नेक्स्ट हम क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट का जो पिच है, क्रिकेट का जो पिच है वो 20.12 मीटर का होता है। उसका जो विड्थ है वो 3.05 मीटर पर होता है। बॉलिंग क्रीज एरिया, बॉलिंग का जो एरिया वो 2.64 मीटर का होता है। Now, जो बैट होता है, बैट बैट का लेंथ 96.5 सेंटीमीटर का होता है, विड्थ होता है 10.8 सेंटीमीटर का। हैंडल जो होता है वो 228 mm का होता है, और बैट का जो वेट है 1 to 2 kg टू 1.2 kg टू 1.4 kg। जो बॉल का वेट है जूनियर के लिए अंडर 30, आपके लिए 133 ग्राम टू 144 ग्राम का। और जो सर्क्यूफेरेंस है, बॉल का जो गोल है ना सर्क्यूफेरेंस, होता है 22.4 सेंटीमीटर टू 22.9 सेंटीमीटर। सर्क्यूफेरेंस कितना होता है? 22.4 सेंटीमीटर टू 22.9 सेंटीमीटर। प्लेयर्स होते हैं 16, प्लेइंग एरिया में 11 प्लेयर खेलते हैं और सब्स्टिट्यूशन होते हैं 5। ओके, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट है हैंडबॉल। हैंडबॉल का जो लेंथ, कोर्ट का लेंथ है वो 40 मीटर का होता है, विड्थ 20 मीटर का होता है। गोल पोस्ट से जो गोल एरिया है डी जोन, वो 6 मीटर का होता है। फ्री थ्रो लाइन, ओके, वो 9 मीटर का होता है। गोलकीपर 4 मीटर तक आ सकता है। ओके, जो थिकनेस ऑफ द लाइन, जो व्हाइट कलर का लाइन मार्किंग किया है उसका जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। गोल पोस्ट का जो हाइट है 2 मीटर का होता है। डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट, ओके, जो विड्थ है वो 3 मीटर का होता है। उसका जो सर्क्यूफेरेंस है 8 सेंटीमीटर का होता है। पोस्ट, गोल पोस्ट का जो कंबाइन 8 सेंटीमीटर का होता है। जो बॉल है वो 8 to 12 एज के लिए, सब जूनियर के लिए, सब जूनियर के लिए बॉल होता है 290 ग्राम टू 330 ग्राम तक। उसका जो सर्क्यूफेरेंस है 5 सेंटीमीटर टू 52 सेंटीमीटर। प्लेयर्स होते हैं 14, 7 प्लेयर इन खेलते हैं और सब्स्टिट्यूशन 7 प्लेयर्स होते हैं। जो टाइमिंग होता है सब जूनियर के लिए वो है 40 मिनट का,
20 मिनट मैच, 10 मिनट रेस्ट टाइम, वापस 20 मिनट का मैच होता है। ओके, यहां तक याद रखना। इसके बाद देखेंगे हम कबड्डी। नाउ कबड्डी आपके लिए सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स, सब जूनियर का जो ग्राउंड होता है कबड्डी का होता है 11 मीटर, जो लेंथ है 11 मीटर का होता है, विड्थ होता है 8 मीटर, सेंटर लाइन 5.5 मीटर पे होता है, सेंटर लाइन टू बक लाइन 3 मीटर का होता है, बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर का होता है और बोनस लाइन टू एंड लाइन 1.5 मीटर पर होता है। जो लॉबी है 1 मीटर का होता है, सिटिंग बॉक्स जो है ग्राउंड से 2 मीटर पर किया जाता है, उसका जो विड्थ है 8 मीटर और लेंथ है 1 मीटर। जो थिकनेस है कबड्डी का, जो लाइन का थिकनेस है 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर तक होता है। प्लेयर से 12 होते हैं, एक्चुअली प्लेइंग एरिया पे 7 प्लेयर खेलते हैं और सब्स्टिट्यूशन 5 प्लेयर होते हैं। खेलने का टाइमिंग होता है आपके लिए 30 मिनट, 15 मिनट का मैच, 5 मिनट ब्रेक, वापस 15 मिनट का मैच। कबड्डी बोलने का जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड का रहता है। ईच हाफ, जब मैच चालू है दो बार आप हाफ टाइम ले सकते हो 30 सेकंड के लिए। ओके, जो बास्केटबॉल का मैच है ओके, यहां तक आप सब लोग प्रॉपर समझे रहेंगे ऐसा मैं मानता हूं। ओके, यहां तक सबको समझाना, लास्ट लेक्चर में भी हमने सिखाया था। तो आज फील्ड एथलेटिक का जो फील्ड इवेंट है, पहला हम देखेंगे लॉन्ग जंप। क्या देखेंगे? लॉन्ग जंप। ये लॉन्ग जंप का पीट है। ओके, ये लॉन्ग जंप का जो है पीट है, लॉन्ग जंप पीट, ये होता है लॉन्ग जंप का ग्राउंड आपके हिसाब से, लॉन्ग जंप का ग्राउंड या पीट। ओके, लॉन्ग जंप का जो ग्राउंड है, इसका जो रनवे है, रनवे ये कितना होता है, लेंथ ऑफ द रनवे 40 मीटर का, कितना होता है 40 मीटर, और जो विड्थ है होता है 1.22 मीटर, कितना होता है 1.22 मीटर विड्थ। जो टेक ऑफ बोर्ड है, जहां से टेक ऑफ बोर्ड के लिए जंप किया जाता है, इस तरह से जो टेक ऑफ बोर्ड है ये व्हाइट कलर का होता है। ओके, सभी जगह व्हाइट कलर का ही होना चाहिए। उसका जो लेंथ है वो 1.22 मीटर का होता है और जो उसका विड्थ है 20 सेंटीमीटर का होता है। वो कितने डीप में होता है ग्राउंड से? 10 सेंटीमीटर डीप में होता है। ये है लैंडिंग एरिया, ये होता है लैंडिंग एरिया 7 to 9 मीटर का होता है। लॉन्ग जंप का जो लैंडिंग एरिया है 7 to 9 मीटर पर होता है। ओके, और जो इसका विड्थ है 2.75 मीटर टू 3 मीटर। लॉन्ग जंप का जो लैंडिंग एरिया का जो विड्थ है 2.75 मीटर टू 3 मीटर। ओके, जो ये मट्टी दिख रहा है ना आपको, मट्टी जो सैंड है, सैंड ये कितने सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए खड्डे पे, कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए खड्डा करके, 30 सेंटीमीटर तक जो सैंड है, ओके, सैंड वो डीप में डालना चाहिए। टेक ऑफ बोर्ड का लेंथ आपको बताया है। ओके, बस ये है लॉन्ग जंप, इतना ही जानना है आपको लॉन्ग जंप के बारे में। ये लॉन्ग जंप का स्क्रीन है, आप किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो, या लिख के लेना है तो भी लिख के ले सकते हो।
ओके नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अभी ट्रिपल जंप के बारे पे, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्रिपल जंप के बारे पे। ट्रिपल जंप का जो रनवे है वो भी 40 मीटर का होता है। ट्रिपल जंप का जो रनवे है वो भी ट्रिपल जंप, उसका भी रनवे जो होता है 40 मीटर का होता है। जो विड्थ होता है रनवे का वो 1.22 मीटर का होता है। ओके टेको बोर्ड व्हाइट कलर का रहता है, टेको बोर्ड का जो लेंथ है 1.22 मीटर का रहता है, उसका जो विड्थ है 20 सेंटीमीटर का होता है। ओके कितने डीप में होता है वो टेको बोर्ड? 10 सेंटीमीटर डीप में होता है अंदर। नाउ अभी आपको देखना ये जो 30 मीटर दिख रहा है ना, मेंस के लिए 30 मीटर, वुमेन्स के लिए 11 मीटर। ओके ओके ये लैंडिंग एरिया का लाइन है। ट्रिपल जंप में टेको बोर्ड से टेक होने के बाद, ओके टेको बोर्ड से टेक होने के बाद थ्री जंप के बाद जंप किया जाता है। तो इसके लिए वो थ्री जंप का जो जंपिंग जो लाइन रहता है एज लाइन, ओके एज लैंडिंग एरिया जो कितना होता है मेंस के लिए 13 मीटर का होता है और वुमेन्स के लिए 11 मीटर का होता है। ओके आज टाइम मिला तो मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा। नाउ जो लैंडिंग एरिया रहता है ट्रिपल जंप का वो 8 मीटर to 9 मीटर का रहता है लैंडिंग एरिया, और जो सैंड है वो 30 सेंटीमीटर के हिसाब से ही मट्टी डाला जाता है, उसका जो विड्थ है 2.75 मीटर to 3 मीटर। ओके ये ट्रिपल जंप, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी करके दे सकते हो। Now next high jump. High jump का जो रनवे एरिया है वो क्या होता है? सेमी सर्कल में होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में रनवे एरिया होता है। ओके सेमी सर्कल रनवे एरिया होता है। ये कितना होता है रनवे एरिया? रनवे एरिया सेमी सर्कल में 15 मीटर टू 20 मीटर पे होता, कितना होता है 15 मीटर टू 20 मीटर। और रनवे एरिया का जो यदि ज्यादा वेयर कंडीशन परमिट, ओके यदि कंडीशन अच्छा रहेगा तो 25 मीटर का भी हो सकता है। नाउ विड्थ ऑफ द रनवे, विड्थ जो विड्थ है चौड़ाई वो रनवे का कितना होता है सेमी सर्कल में? 16 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है? 16 मीटर। ओके नाउ जो क्रॉस बार है, ये जो क्रॉस बार इसका जो लेंथ होता है वो होता है 4 मीटर। क्रॉस बार का जो लेंथ होता है 4 मीटर। ओके और उसका जो वेट होता है क्रॉस बार का वो होता है 2 kg। कितना होता है? 2 kg। और जो क्रॉस बार का डायमीटर है, क्रॉस बार का जो डायमीटर है वो 30 mm। कितना होता है? 30 mm। क्रॉस बार का जो डायमीटर है वो कितना होता है? 30 mm। ओके ये है ओके नाउ हाई जंप क्या ये ग्राउंड है, किसी को लिख के लेना है।